हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर आ गया हूँ फिर से एक नया जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट। बोले तो एक नया जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट की जानकारी आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। और जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि मैं आप लोगों के लिए समय समय पर जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट की जानकारियाँ लेकर आता रहता हूँ, आप लोगों को जानकारियाँ देता रहता हूँ और बताता रहता हूँ कि कौन सा बैंक आपको कौन सा जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट प्रोवाइड कर रहा है, ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। जिन लोगों का अकाउंट ओपन कराना हो जीरो बैलेंस से, वो अकाउंट ओपन करा ले आसानी से, या जिनको दिक्कत आ रही हो मिनिमम बैलेंस मेंटेन करने के, या फिर कुछ इस तरह की दिक्कत की अकाउंट ओपन करने के लिए पैसे नहीं है, जैसे कि इनिशियल डिपॉजिट की ज़रूरत पड़ जाती है। तो इसलिए मैं आप लोगों को समय समय पर इस तरह के अकाउंट की जानकारी देते रहता हूँ, जिससे कि आपको फ़ायदा पहुँचेगा। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ सिंडिकेट बैंक का जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट, और मैं आप लोगों को इस वीडियो में इसकी जानकारी दूंगा। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से निवेदन करूंगा कि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले समय में आपको इसी तरह की वीडियोस मिलती रहे। तो यहाँ पे सिंडिकेट बैंक जो है बेसिक सेविंग्स बैंक डिपॉजिट अकाउंट प्रोवाइड कर रहा है, जो कि ज़ीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट होता है, जैसा कि आप लोगों को पता होगा। अब अगर इसकी एलिजिबिलिटी की बात की जाए तो कोई भी व्यक्ति इस अकाउंट को ओपन कर सकता है। व्यक्ति से मतलब ये है कि एक व्यक्ति होगा जो अकाउंट ओपन करने के लिए एलिजिबल होगा। बोले तो जॉइंटली इसको ओपन किया जा सकता है, लेकिन यहाँ पे इंडिविजुअल्स का मतलब यह है कि यह व्यक्ति से मेरा मतलब यह है कि ग्रुप्स, ट्रस्ट, ऑर्गेनाइजेशन, ये सब नहीं आएंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंदर। अगर ग्रुप, ट्रस्ट या ऑर्गेनाइजेशन के लिए अकाउंट ओपन किया जा रहा है बेसिक सेविंग्स बैंक डिपॉजिट अकाउंट, तो इसके लिए एलिजिबल नहीं है वो, और ओपन नहीं किया जा सकता है। यहाँ पे सिर्फ इंडिविजुअल्स जो हैं वही ओपन कर सकते हैं। तो बस यही इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में। और अगर मिनिमम बैलेंस की बात की जाए तो ज़ीरो बैलेंस से ये अकाउंट ऑपरेट किया जा सकता है, चलाया जा सकता है, और ज़ीरो बैलेंस से अकाउंट ओपन भी किया जा सकता है। अगर इसके रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात की जाए तो यहाँ पर 3.50% यानी 3.5% का आपको इंटरेस्ट रेट मिलने वाला है, जो कि आमतौर पे नॉर्मल सेविंग्स अकाउंट पे मिलता है वही है। कैश रिसिप्ट पे आपको कोई भी रिस्ट्रिक्शन, बोले तो पाबंदी नहीं होगी। और कैश विड्रॉल की अगर बात की जाए तो अगर आप ब्रांच काउंटर से करते हैं तो साल भर में आपको 50 बार की लिमिट दी जाएगी, 50 बार आप कर सकते हैं। और यहाँ पर ATM के ट्रांजेक्शन्स पर कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन जो विड्रॉल करने हैं महीने के अंदर, एक महीने के अंदर जो विड्रॉल करने, वो 4 ही हैं, इसमें जो ATM विड्रॉल भी शामिल है। चेकबुक इसमें आपको मिलेगी। अगर इसमें आप इतना बैलेंस मेंटेन करते हैं जितना कि एक नॉर्मल सेविंग्स अकाउंट में आप मेंटेन करते हैं, बोले तो जितना कि नॉर्मल सेविंग्स अकाउंट में मेंटेन करना होता है बैलेंस, अगर आप उसमें भी उतना ही मेंटेन करते हैं तो आपको यहाँ पर चेकबुक प्रोवाइड कराई जाएगी, अदरवाइज़ नहीं प्रोवाइड की जाएगी। अब नॉन मेंटेनेंस ऑफ मिनिमम बैलेंस, तो यहाँ पे देखिए चार्ज तो कोई नहीं पड़ने वाला है आपको, अगर आप मेंटेन नहीं करते हो तो मिनिमम बैलेंस मेंटेन नहीं करते हो, क्योंकि यहाँ पे मिनिमम बैलेंस की कोई मतलब कि शर्त नहीं रखी गई है। यहाँ आप चाहे तो मिनिमम बैलेंस है ही, जब नहीं तो आप चाहे तो रख सकते, जितना बैलेंस चाहे उतना रख सकते, नहीं तो ज़ीरो बैलेंस से आप इसको चला सकते हैं। अब यहाँ पे चेक कलेक्शंस और उसके चार्जेस की अगर बात की जाए तो यहाँ पे देखिए आउटस्टेशन जो चेक्स होते हैं, चेक कलेक्शंस अगर 50,000 का है तो पर ईयर यहाँ पे आपको सिर्फ जो उसका पोस्टल चार्ज होता है वो देना होता है, और कोई चार्ज नहीं लगता है। और 50,000 से ऊपर का है पर ईयर में आपको, तो नॉर्मल चार्जेस पड़ेंगे, जो कि एक नॉर्मल सेविंग्स अकाउंट के लिए पड़ते हैं वही चार्जेस होंगे। अब यहाँ पे जो ट्रांजैक्शन पे लिमिट लगाई गई है, बोले तो 4 विड्रॉल जो बताए गए कि इतने विड्रॉल होने चाहिए, 4 विड्रॉल होने चाहिए, उसमें ATM भी शामिल है, ATM विड्रॉल भी शामिल है। अगर आप उससे ज़्यादा का विड्रॉल करते हो, 4 से ज़्यादा का महीने में कर देते हो, तो आपको 10 रुपये पड़ेगा प्लस सर्विस, मतलब उसमें टैक्स भी पड़ जाएगा, प्लस टैक्स सर्विस चार्ज 10 रुपये पड़ेगा, उसमें टैक्स भी पड़ जाएगा, तो आपको इसका ख्याल रखना होगा। अब यहाँ पे कुछ इतना ख़ास कुछ दिया तो नहीं गया है, और जो चार्जेस होते हैं वो नॉर्मल सेविंग्स अकाउंट के ही चार्जेस होते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको सब कुछ ठीक ठीक समझ में आ गया होगा,
और अगर फिर भी कुछ आपको डाउट हो तो आप कमेंट करिए, मैं आप लोगों को बताने की कोशिश करूँगा और आपका डाउट क्लियर करने की कोशिश करूँगा। तो बस इस वीडियो में इतना ही। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आए, अगर आपको वीडियो पसंद आए उसको लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाले समय में आपको इसी तरह की वीडियोज़ मिलती रहें।